वो नहीं हो पाता है अगर मैं फेस नहीं दिखाती हूँ, तो वो कनेक्शन मेरा व्यूअर्स के साथ नहीं बनता है, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ कि किस तरह से कैमरा फेस किया जाता है, कैसे बात करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम कोई कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी फैब्रिक के बारे में, क्योंकि स्टिचिंग में स्टेप आपको कटिंग और स्टिचिंग का ही जानकारी होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ आपको फैब्रिक का भी क्वालिटी, फैब्रिक का विड्थ, लेंथ, ये सब का भी जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक जो स्टाइल होता है कपड़े का, जो ड्रेसिंग्स होता है, उसके लिए अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक का भी जरूरत होता है और उसका विड्थ एंड लेंथ भी मैटर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ इस टाइप से है। आज मैं कोई कटिंग और स्टिचिंग का टॉपिक को लेकर बात नहीं करूंगी, वैसे फैब्रिक का विड्थ एंड लेंथ को लेकर बात करूंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से बोलूँ कि आपको कुछ भी ड्रेस अम्ब्रेला कटिंग में बनाना है, अम्ब्रेला कटिंग में आप स्कर्ट भी बना सकते हैं, आप गाउन भी बना सकते हैं, या फिर आप लहंगा भी बना सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसके लिए आपका जो कपड़े का जो लेंथ है उसके साथ साथ विड्थ बहुत मैटर करते हैं। अम्ब्रेला कटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें विड्थ बहुत ज्यादा चाहिए। तो अगर आपको कोई ड्रेस बनाना है तो आप जब फैब्रिक खरीदने जाओगे तब आपका माइंड में ये होना चाहिए कि इसका विड्थ ज्यादा हो। वैसे ही आज का टॉपिक है कफ्तान के बारे में। आपने देखा होगा आजकल कफ्तान नाइटी हो, कफ्तान कुर्ती हो, या फिर कफ्तान टॉप हो, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो आज हम कफ्तान की जो फैब्रिक का जो क्वालिटी है और उसका जो विड्थ एंड लेंथ है उसके बारे में बात करेंगे। आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर कफ्तान बना सकते हैं, चाहे वो रेयन में हो, चाहे वो कॉटन में हो, या फिर सिल्क में हो, आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर कफ्तान बना सकते हैं। बट आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो कफ्तान होता है ना, उसका जो एजेस होता है उसमें उसका फिनिशिंग आपने नोटिस किया होगा, उसका फिनिशिंग पे ना स्टिचिंग नहीं होता है, ठीक है। उसका फिनिशिंग आप अगर देखेंगे तो उसका फिनिशिंग का जो जो प्रोसेस है उसमें का जो एजेस है उसमें कोई भी स्टिचिंग नहीं होता है। हाँ, बहुत सारा कप्तान ये होता है कि उसका जो एजेस होता है उसमें ना लेसेस अटैच होता है, या फिर उसका लेसेस अटैच होता है, बट आपने देखा होगा कि उसका जो एजेस है उसमें जो हमारा नॉर्मल सा जो स्टिचिंग होता है, हमने फोल्ड करके हाफ इंच फोल्ड करके फिर फोल्ड करके इसका सिलाई में स्टिचिंग लगाते हैं, वो नहीं होता है। तो ये चीज आपने नोटिस किया होगा, तो ये बात आपको ध्यान पे रखते हुए ही फैब्रिक खरीदना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई कफ्तान के लिए फैब्रिक खरीदने जा रहे हैं तो आप ये बात ध्यान में रखना कि उसका जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा ना हो। तो अगर ज्यादा विड्थ हो जाएगा तो जब हम हमारा बॉडी अगर इतना ज्यादा हम हेल्दी नहीं है, हमारा आई थिंक 34 या 36 हमारा चेस्ट है, तो वो टाइप के अगर कपड़े है और उसका विड्थ अगर 56 या 44 बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हमें उसका एजेस को कटिंग करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक फैब्रिक है जो कि कफ्तान नाइटी के लिए है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका जो एजेस है, इसका विड्थ क्या है, इसका विड्थ अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो इसका विड्थ थर्टी थ्री, ठीक है, 33 पे आ रहे हैं। तो मैं अगर इसमें नाइटी बनाने वाली हूँ, अगर मैं इसको नाइटी बनाऊँगी तो इसका जो एजेस रहेगा ये कम्प्लीटली ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि आप जिसके लिए ये ड्रेस बना रहे हैं, जिसके लिए आपको इस टाइम कफ्तान बनाना है, उसका चेस्ट का मेजरमेंट भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर वो हैवी चेस्ट वाला है, अगर थोड़ा हेल्दी है, तो उसके लिए शायद ये फैब्रिक कम पड़ जाएंगे। तो उसके लिए आप जो 44 विड्थ का फैब्रिक है वो ले लीजिए। तो ये सब आपको ध्यान पे रखना होगा कि इसका जो एजेस है इसको हम अगर इस टाइप से आप देख सकते हैं, हम एजेस को कम्प्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम हाफ इंच में फोल्ड करते हैं, देन आपको फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगाते हैं। तो आप कफ्तान का जो एजेस है ना, आप बिल्कुल इस तरह से फिनिशिंग मत दीजिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज का जो ट्रेंड चल रहा है, अगर उस हिसाब से आपको आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ट्रेंड चल रहा है कि इसका जो हर एक ड्रेस का एक अलग अलग क्या बोलते हैं अलग अलग खूबसूरती होता है, कुछ अलग अलग सिग्नेचर रहते हैं कि ये ड्रेस इस तरह से बनते हैं, तो कफ्तान में ये एजेस को इस तरह से कंप्लीट नहीं किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर बाय चांस आपका कोई ऐसा फैब्रिक हो जाता है कि जिसका एजेस आपको कटिंग करना पड़ रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते, कोई भी लेसेस ले सकते हैं। सॉरी, ये लेसेस इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि मैं इसके साथ ये लेसेस अटैच नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ कि आपको बहुत टाइप्स के इस तरह से लेसेस मिल जाएगा, इससे भी ज़्यादा विथ वाला, ज़्यादा चौड़ाई का लेसेस मिल जाएगा, वो उसके साथ आप इसका फिनिशिंग कीजिए, या फिर इसका जो एजेस है इसको आप पीको कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।
सो आपने देखा है कि जो मैंने कुछ फैब्रिक दिखाया उसका विथ है 33, तो मुझे इसका जो बना ये जो ड्रेस बनेगा ये 34 चेस्ट के हिसाब से बनेगी, तो उसके लिए ये 33 जो विथ है ये काफ़ी है। तो आप अपना जिसका भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर्स है जिसके लिए भी ये ड्रेस बना रहे, उसका चेस्ट भी मैटर करेगा। अगर वो ज़्यादा चेस्ट हैवी चेस्ट है तो उसके लिए उसका विथ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। बट आप ट्राई करेंगे कि इसका विथ इसका जो एजेस है इसको हम कटिंग ना करें। और अगर आप बाई चांस आपको कटिंग करना पड़ रहा है, तो क्योंकि हमें बहुत टाइम्स हो जाते हैं कि ऐसे कुछ फैब्रिक हमें पसंद आ जाए बट उसका विथ ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, बट वो टाइम पे आप इस तरह से जैसे मैंने बोला है कि कुछ लेसेस ले लीजिए और लेसेस के थ्रू उसको फिनिशिंग दीजिए, या फिर आप पीको कर सकते हैं। पीको में भी बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है, बट नॉर्मली जो हम एजेस को कंप्लीट करने के लिए जो हाफ इंच फोल्ड करके मैंने जैसे दिखाया उस तरह से मत कीजिए। ऐसे नहीं कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, बट इतना ज़्यादा फैशनेबल नहीं लगेगा। जो कफ्तान का जो फैशन है उस फैशन के साथ नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसको ध्यान पे रखते ही हमें स्टिचिंग करना है। सो यस, यही था आज का टॉपिक। बहुत छोटा टॉपिक थे, आई नो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगेगा आपको, बट ये छोटा छोटा टॉपिक ही आपको काम को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना देगा, या फिर ये छोटा छोटा टॉपिक को अगर आप इग्नोर करते जाएंगे तो आपको काम को उतना परफेक्ट नहीं बनाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ और थोड़ा पर्सनल बातें करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैंने विथ फेस आया है। मैं विथ फेस क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समटाइम्स मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ बट वो नहीं हो पाता है। अगर मैं फेस नहीं दिखाती हूँ तो वो कनेक्शन मेरा व्यूअर्स के साथ नहीं बनता है। तो वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि हाँ मुझे फेस के साथ आना चाहिए, तो इसलिए मेरा ये फर्स्ट वीडियो है विथ फेस, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ कि किस तरह से कैमरा फेस किया जाता है, कैसे बात करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बहुत गलतियाँ हो सकती है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा भी गलतियाँ हो सकती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल आर इन्जॉइंग माई वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल बी कम बैक वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।